सीएम कॉलेज के हिंदी एवं संस्कृत विभाग द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साहित्य और समाज विषयक वेबिनार आयोजित किया गया। मानवीय मूल्य एवं सामाजिक संवेदना से हमें युक्त कराता है साहित्य। प्रोफेसर राजेंद्र ने कहा, साहित्य में लोक मंगल की भावना, सदुपदेश तथा सामाजिक मार्गदर्शन निहित। प्रोफेसर जीवानंद ने कहा, संकटग्रस्त समाज को सही दिशा व दशा प्रदान करता है साहित्य। डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा, वर्तमान साहित्य में स्त्री विमर्श और आपको बता दें एवं दलित लेखन प्रतिकार का स्वर। प्रोफेसर चंद्रभानु ने कहा, समृद्ध साहित्य ही खुशहाल समाज एवं उन्नत राष्ट्र की वास्तविक पहचान है। डॉक्टर गौरीनाथ ने कहा, कोरोना काल में समाज दर्पण के रूप में साहित्य का अधिक दायित्व है। प्रोफेसर रामनाथ ने कहा, साहित्य का संबंध मानव जीवन के विविध पक्षों में प्रत्यक्षता रत्न रहा है। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आगे हम सभी प्रोफेसरों के इंटरव्यू को सुनाते हैं। सभी प्रोफेसरों ने इस अवसर पर क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। लगातार आपको बता दें, वेबिनार आयोजित किया जा रहा है जिससे बच्चों को घर रहते ही सीखने को मिले, लोगों को घर रहते ही सीखने को मिले। अब सुनते हैं संस्कृत में स्वागत गान। संस्कृत शिक्षक डॉक्टर नरेंद्र किशोर ठाकुर ने प्रस्तुत किया। महाविद्यालय संस्कृत विभाग के प्रधानाध्यापक डॉक्टर संजीत कुमार झा के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आर एन चौरसिया ने किया है, जबकि धन्यवाद ज्ञापन हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अखिलेश कुमार राठौर ने किया। इस बात को हम सभी जानते हैं कि साहित्य और समाज के बीच बहुत ही गहरा संबंध होता है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा भी गया है और आज की जो परिस्थितियां हैं उनका भी बहुत ही गहरा संबंध हमारे समय के साहित्य से है। कोरोना महामारी का संत्रास है ही। अभी अभी मुश्ताक अहमद की कविता पुस्तक आई है, आईना हैरान है, उसमें वो लिखते हैं कि तन्हाई भी आंख चुराने लगी है, हर तरफ उदासियों का डेरा है, चारों तरफ उदासियां हैं। लगता है कि इस मनुष्य ही समाप्त हो जाए। पर ये ही एकमात्र यथार्थ नहीं है, इससे बड़ा यथार्थ राजनैतिक सामाजिक है। देश सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है, लोग हिंदू मुसलमान में बटे हुए हैं। मदन कश्यप ने, क्योंकि वह जुनैद था, अपनी कविता में बड़ी शिद्दत के साथ इस मुद्दे को उठाया। आज भारत की सामाजिक संस्कृति पर हमला हो रहा है, पर सुखद स्थिति है कि इसमें प्रतिकार के भी स्वर उठ रहे हैं और वो चाहे राकेश रंजन की कविता हो हेलो राजा, या कि जो बिल्कुल नए कवि हैं द्वारिका प्रसाद, चारुमित्र, या उपासना झा जैसी नवोदित कवयित्री, इनकी रचनाओं में स्त्री और दलित विमर्श बहुत गंभीरता से व्यक्त हुआ है। इसलिए जब हम साहित्य और समाज के अंतः संबंध की बात करते हैं तो समकालीन परिदृश्य पर ध्यान देना होगा और यह देखना होगा कि हमारे समय और समाज की समग्र और जटिल अभिव्यक्ति साहित्य में हो रही है या नहीं। आज के हिंदी साहित्य में भारत के भयावह यथार्थ की अभिव्यक्ति हो रही है, यह सुखद संकेत है और रचनाकार अपने दायित्वों का बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। मेरा नाम हुआ प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह, पूर्व विश्वविद्यालय हिंदी विभाग अध्यक्ष, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग एवं हिंदी विभाग
के सौजन्य से आज एक वेबिनार का आयोजन हुआ। उसके लिए हम दोनों विभाग अध्यक्षों को साधुवाद देते हैं। सेमिनार का विषय भी बहुत ही समसामयिक था कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज और साहित्य, साहित्य और समाज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश की गई। मुझे खुशी है कि देश के विभिन्न भागों से इसमें लोग जुड़े और प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह पूर्व विभाग अध्यक्ष ललितनारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने इस विषय पर विस्तार से अपनी चर्चा की। अन्य वक्ताओं में भी रामनाथ सिंह भी, अभी संस्कृत विभाग के जो विभाग अध्यक्ष हैं, हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष हैं राजेंद्र शाह साहब और अन्य लोगों ने भी इस पर विस्तार से चर्चा की। साहित्यकार का मुख्य काम समाज को नई दिशा दिखाना है। अगर आप साहित्यकार भी तटस्थ हो जाए तो फिर समाज का जो स्वरूप है उसके निर्माण की जो गति होगी वो रुक जाएगी। इसीलिए मैं बराबर कहता हूँ कि साहित्य को समाज का दर्पण होना चाहिए, साहित्यकार को समर्पण नहीं करना चाहिए। लेकिन आज विषम स्थिति है कि साहित्यकार समर्पित हो गए हैं किसी खास दृष्टिकोण के प्रति, किसी खास इस्म के प्रति, जबकि साहित्यकार को पक्षधर होना है। किसका? जो दलित हैं, जो पीड़ित हैं, जो मजलूम हैं, उनके साथ खड़ा होना है। मुझे खुशी है कि आज के तमाम वक्ताओं ने इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लिया और इस विषय पर यह नतीजा निकाला कि साहित्यकार को तटस्थ नहीं होना चाहिए बल्कि पक्षधर होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी ये न कहे कि सब जब मौन था तो साहित्यकार भी मौन थे। मुझे खुशी है कि संस्कृत विभाग और हिंदी विभाग ने एक बहुत ही ज्वलंत विषय पर ये वेबिनार रखा। मैं उन्हें पुनः साधुवाद देता हूँ। डॉक्टर मुश्ताक अहमद प्रधानाचार्य सीएम का क्या कार्यक्रम रहा आज सीएम कॉलेज दरभंगा के हिंदी विभाग तथा संस्कृत विभाग के संयुक्त तत्वावधान में वर्तमान संदर्भ में साहित्य और समाज विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में अनेक जगह के विद्वान, शिक्षक, शोधार्थी एवं विद्यार्थी सहित 100 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम आज साहित्य, जो हमारा समाज का दर्पण कहा जाता है, आज कोरोना काल है, कोरोना काल में लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों को सचेत करने के लिए, इन संकट से उबारने के लिए साहित्य, हमारे भारतीय साहित्य का क्या योगदान हो सकता है, इस पर चर्चा हुई। साहित्य के महत्व, साहित्य जो एक लिखित इतिहास का भी काम करता है, और जिस समाज में कहा जाता है साहित्य समृद्ध होता है वह समाज खुशहाल होता है तथा राष्ट्र भी उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। साहित्य के माध्यम से हम किसी भी प्रकार के समाज की स्थिति को आम लोगों को समझ सकते हैं। साहित्यकार निश्चित रूप से सेवा का कार्य करते हैं और वे लोभ लालच के बिना सच्ची समाज की सेवा करते हुए समाज का जागरूकता लाते हैं और सामाजिक क्रांतियों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वतंत्रता संग्राम हो या किसी भी प्रकार की क्रांति, सामाजिक बदलाव, इसमें साहित्य की अहम भूमिका रही है। इन्हीं चर्चाओं के लिए आज का यह सेमिनार आयोजित किया गया था और यह काफ़ी सफल रहा। अनेक विद्वान दिल्ली से, BHU से, बरेली से, पटना से, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, सब जगह पे लोगों ने भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किए। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, संस्कृत विभाग अध्यक्ष, CM कॉलेज दरभंगा, धन्यवाद। आज दिनांक 21/8/2020 को
सीएम कॉलेज दरभंगा के हिंदी एवं संस्कृत विभाग के तत्वावधान में प्रवाहन 9 बजे से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साहित्य और समाज विषयक वेबिनार का आयोजन किया गया। सच्चा साहित्य सदा वर्तमान से संपृक्त होता है तथा साहित्य का मूल धर्म एवं औचित्य भी समाज ही है। आज के इस कोरोना काल में साहित्य विषम सामाजिक स्थितियों के संदर्भ में उसके सौहार्दपूर्ण वातावरण में तथा मानवीय मूल्यों के लिए कैसे अपनी समर्थ उपस्थिति दर्ज कर सकता है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। साहित्य का दायित्व सर्वोपरि है, जिसकी संवेदनशीलता ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। वर्तमान में बेरोजगारी एवं सामाजिक दूरी में बेहताशा वृद्धि हुई है, मनुष्यत्व खतरे में है। इसके बीच साहित्य ही नए पथ का संधान कर सकता है। मैं आभारी हूँ सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद जी का तथा डॉक्टर संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर आर एन चौरसिया जी का तथा अन्य संबद्ध शिक्षकों का, जिन्होंने इस वेबिनार में मुझे सम्मिलित किया। मैं डॉक्टर राजेंद्र शाह, विश्वविद्यालय प्राचार्य एवं अध्यक्ष, विश्वविद्यालय हिंदी विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत एवं हिंदी विभाग द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साहित्य और समाज विषयक वेबिनार, जो बहुत ही समसामयिक विषय है, उसका आयोजन हुआ। वस्तुतः आज हम कह सकते हैं कि किसी भी समाज की वास्तविक पहचान उसके साहित्य से होती है। साहित्य ही समाज का प्रेरक, निर्धारक एवं भाग्य नियंता होता है। दूसरी ओर समाज की चित्तवृत्ति के अनुरूप ही साहित्य का निर्माण होता है। साहित्य में समाज की अपेक्षा, आशा, आकांक्षा, हताशा, उत्साह, अवसाद, हर्ष के साथ विषाद के भाव व्याप्त रहते हैं। इस दृष्टि से आज का यह वेबिनार बहुत सफल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।